Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Rank Simulator. Okay, तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपनी ग्रैंडपा के रेंच को तोड़ दिया था और यहाँ पर जो गार्डन है उसके भी काफी सारे पेड़ कट करके यहाँ पर एक खाली एरिया बना दिया था। जितने भी पेड़ मैंने काटे हैं ना, उन सभी के लॉग्स यहाँ पे गिर चुके हैं। मुझे उन्हें उठा उठा के ना एक जगह पे संभाल के रखना है, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये घर वर बनाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो गाइस, अगर आज आप लोग ये वाली वीडियो ध्यान से देख लोगे ना, तो आप एक बिलियनेयर बन सकते हो या फिर ट्रिलियनेयर भी बन सकते हो इस गेम में, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे हमें एक बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखो, पहले मैंने सोचा था ना कि अपने पास इस टाइम पे कितने पैसे हैं, तो 27 डॉलर्स हैं अपने पास, पर इन्हीं 27 डॉलर्स को हम लोग 27,000 डॉलर्स बना देंगे एक दो दिन में ही। तो देखो, मैं पहले सोच रहा था कि ना हम लोग अपने ग्रैंडपा का ना घर बनाते हैं, पर घर से फ़ायदा क्या है? हम लोग वहाँ पर जाके टीवी देख सकते हैं, वहाँ पे बेड पे सो सकते हैं, वहाँ पे वहाँ क्या ही कर लेंगे, किसी काम का नहीं है। सोमवार इधर घास फूस में भी जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर में पैसा खराब करने से बढ़िया ना हम लोग क्यों ना स्टार्टिंग से ही अपना एक बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे पास जितने भी पैसे थे ना, उन सभी पैसों से मैं ये दो पिग खरीद के लाया था। इन दोनों पिग ने खाना पीना खा खा के अपनी सेहत एकदम बढ़िया कर लिया है, पर अभी ना ये छोटे हैं, इनको थोड़ा और खा पी के मोटा हो जाने देते हैं, फिर इनको मार के जो हमें मीट मिलेगा ना खूब सारा, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है जो कि मीट, मतलब कि जो इनके नॉनवेज बर्गर्स बनते हैं वो बहुत महंगे ले लेते हैं। और एक मैंने छोटा सा चिकन कूप बनाया था जहाँ पे मेरी दो दो प्यारी मुर्गियाँ हैं, पर बेशर्म कहीं कि कोई भी अंडे नहीं दे रही हैं। हेलो, मेरे पास कितने अंडे हैं? 1, 2, 3, 4 एग्स हैं यार इसका। ओ वेट, नया अंडा मिला। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने एक एग दिया येरा, तो इसको हम लोग उठा के अपनी बास्केट में रख लेते हैं। और अभी ना गाइस, मुझे एक बारी मार्केट जाना है, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा रहा, मेरे को भी जाना है हंटिंग पे, क्योंकि अपने पास 27 डॉलर्स हैं और दो पिग से ना अपना उतना फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें और पिग खरीद के लाने हैं। तो उन्हीं को तो मार मार के बेचेंगे तभी तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। फिर घर भी बनाएंगे यहाँ पर, एक बार्न हाउस भी बनाएंगे, बार्न हाउस में काँव रहेगी, काँव से मिल्क मिलता है, मिल्क बेच के हमें और फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल ये मैं ड्रम खरीद के लाया था लास्ट टाइम वाटर का, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। बाकी इनको भी खाने पीने की तो कमी नहीं है, तो सब कुछ एकदम ओके है। एक काम करते हैं गाइस, अभी ना थोड़ी हंटिंग करके आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, देन यहाँ पर हम लोग और पिग लेकर आएंगे। जब तक ये वाले पिग भी बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें बेच देंगे। और यहाँ पर मुझे चिकन के लिए भी काफ़ी बहुत सारा काम कर रहे हैं यार अभी कसम से। ऐसे गाइस देखो, अभी ना मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आ रही है कि अगर मेरे पास सिर्फ दो चिकन रहेगी ना, तो ये दिन के बस एक दो या मैक्स चार एग देंगी, जिससे यार अपना उतना फ़ायदा नहीं होने वाला। बट अगर हम यहीं पर सस्ती सस्ती 10-15 चिकन ला के रख देना, तो हमें भाई दिन के 30-40 एग प्यार से मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे बिक सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं आज एक चिकन कूप बिल्ड करता हूँ। मैं चाहूँ तो अपना नॉर्मली ये देखो घर भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं हर टाइप का मटेरियल, एक डोर, एक विंडो, एक स्टेयर्स, हर चीज़ मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर सकता हूँ अब। बाकी ये देखो कैसे अलग अलग टाइप के कस्टम बिल्ड्स भी हैं, हमें बस ऐसा अगर एग्जैक्टली चाहिए तो ये रख दो और बना दो। बाकी ये बार्न हाउस है, काफ़ी सारे बार्न हाउस का गेट है, बार्न हाउस का बड़ा वाला मेन डोर है, और ये है चिकन कूप। चिकन कूप यहाँ पे एक छोटे टाइप का, एक्सपेंसिव नहीं है, छोटा नहीं है, इसमें 30 चिकन एक बार में आ सकते हैं। और ये हैं सस्ते वाले। नहीं यार, हम लोग एक ही बार में ना बढ़िया काम करेंगे, 30 चिकन वाला बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 100 प्लैंक चाहिए, 52। ओ नाइस, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, ये बहुत ज़्यादा एपिक लगेगा। इसे मुझे ना किसी अच्छी जगह पर रखना चाहिए। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एरिया खाली है, तो इसको हम लोग ना यहीं पर फिलहाल के लिए सेट कर देते हैं, इसके एकदम सामने में ही। थोड़ा सा आगे रखता हूँ ताकि अगर पीछे वीछे से भी आना जाना रहा तो मैं जा पाऊँ। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अभी मुझे गाइस इसके अंदर ना 100 वुड प्लैंक लगाने हैं, 52 मेटल लगाना है। मेटल खरीदने के लिए मुझे हार्डवेयर स्टोर पे जाना पड़ेगा, पर जाके फ़ायदा क्या होगा, अपने पास तो पैसा ही नहीं है ना। प्लैंक तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ये देखो, यहाँ पर वाली मशीन में मैंने डाल दिया है पेट्रोल, यहाँ पर सारा फ्यूल गया, इसको निकाल के रख दो बाहर। मशीन स्टार्ट हो गया, मशीन को मैं ना पहले बंद कर देता हूँ और अभी अपनी गाड़ी लेता हूँ। जितनी भी यहाँ पे लकड़ियाँ हैं ना, सारी इकट्ठी करके मुझे लानी है, उन सबका प्लैंक बनाना है, देन हम लोग चलेंगे हंटिंग पे। हंटिंग पे हम लोग एनिमल्स, डियर और बियर को मार के ढेर सारा मीट इकट्ठा करके मार्केट में बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, फिर मेटल खरीद के लाएंगे और चिकन कूप बना देंगे। बहुत ज़्यादा काम करना है, मैंने पहले बताया था ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। लकड़ियाँ उठाने चलते हैं, जितने भी मैंने पेड़ काटे थे ना, ताकि थोड़ा बहुत यार एरिया भी साफ़ हो जाए। देख रहे हो,
इतना गंदा हो रखा है ना एरिया, इसे खोलो, ये मेरे को उठानी है यहाँ से और गोल घुमा के यहाँ पे प्यार से रख देनी है। सेम ऐसी ये भी इसके बगल में, फिर ये वाली इसके ऊपर, बहुत सारी आ जाएगी एक ही बार में। गाइस अभी ना मैंने बहुत सारी लकड़ियां अपनी गाड़ी के ऊपर लोड करवा दिया है और मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा भी यहाँ पे आ पाएगी, बट फिर भी एक बार ही हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। वी आर इंडियंस भाई, एकदम जुगाड़ से एक ना एक लकड़ी तो मैं टिकाऊंगा भाई, मुझे नहीं पता। एक लकड़ी, लेट्स गो, यहाँ पर एक लकड़ी और लगा दी प्लीज यार, एक और लग जाए यार। देखो एक ही बार में आए हैं तो काम खत्म करके। वो लगेगी लगेगी, देखो इसके ऊपर, वेट 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 वेट, लग जाए यार अभी। ओके ये देखो कैसे आ चुके हैं भाई, भर दूंगा ट्रक। मुझे नहीं मालूम ये मैं क्या करते जा रहा हूँ। अगर आप लोग एक बारी मेरे ट्रक को देखोगे ना तो डर जाओगे। इस पे मैंने कितने सारे वुडन लॉग्स लोड करवा दिए और ये कुछ अलग ही एंगल पे लोड हो रहे हैं। फिजिक्स के साथ ये तो मजाक हो रहा है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ओ भाई मुझे अभी बस करना चाहिए यार, ये कुछ ज्यादा ही लकड़ियां मैंने इस पे लोड करा दिया है। पता चला इसके चारों टायर ही पंचर हो जाए इस गाड़ी पे, इतना लोड पड़ जाए। ये एक लास्ट है, इसको मैं नहीं यार अभी ना जगह ही खत्म हो चुकी है भाई, ये देख रहे हो कहीं। ओ वेट, ये आ गया। ठीक है यार बस अभी ना जल्दी से हम लोग इसे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं इसके प्लैंक। हेलो पीछे दो लकड़ियां हवा में कैसे रुक गई भाई, रुक जाओ नीचे आ जाओ भाई, आराम से रेस्ट करो। ये लो, मुझे पता है तुम्हारा जाने का मन नहीं है। ठीक है यार इतनी ज़्यादा भी लोड नहीं करवा सकते तो अभी हमें चलकर, बट फिर भी यार ये बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैक्टर देखे हैं मैंने हाईवे पे, जितनी सारी लकड़ियां एक बार में लेकर, लकड़ियां नहीं कुछ ऐसे भूसा होता है ना वो लेके जाते हैं। बाकी यहाँ ठीक है, मशीन ऑन करते हैं। अभी मुझे इसके अंदर ये लकड़ी लगानी है, इससे प्लैंक बनेंगे। और मुझे ना एक चीज़ और चेक करनी है कि क्या ये जो लकड़ियों के प्लैंक हैं हम इसे हार्डवेयर स्टोर पे बेच सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो फिर एक टाइप से ये भी एक छोटा सा बिजनेस है कि हम लोग लकड़ियों को कन्वर्ट कर करके बेच के आ रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ से दो प्लैंक मिले हैं, इन दोनों प्लैंक को मुझे ऐसे, मुझे 100 प्लैंक्स यहाँ पे लगाने हैं। 1 2 दोनों लग गए भाई, रुक जाओ एक ही बार में उठा के लाएंगे सारे आराम से इस गाड़ी में ही भर के। बाकी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, मुझे एक नई मशीन खरीद के ले आनी चाहिए थी मार्केट से, कोई बात नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ना बारिश वाला मौसम हो रहा है और अभी मैं पता क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी वुडन लॉक्स हैं ना इसको अपनी गाड़ी से अनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गाड़ी को भी मेरे को लेके मार्केट जाना है तो भरी हुई गाड़ी ले जाने कोई फ़ायदा थोड़ी है, हमें वहाँ से सामान रख के लाना होगा ना। गाइस अभी मैंने सारे के सारे वुडन लॉक्स गाड़ी से अनलोड करके यहाँ नीचे रखवा दिए हैं और अभी एक काम करता हूँ, ये जो प्लैंक्स है ना इसको उठा के मैं अपनी गाड़ी पे लोड नहीं, डायरेक्ट एक काम करता हूँ वहाँ पे लगा के ही आ जाता हूँ, उतनी देर लगनी है। तो 1 2 उतरी, एक ही बार में 8 के 8 लग गए, मतलब 4 लग गए और टोटल अभी 8 हो गए हैं। तो ये उठा के मुझे रखना है यहाँ पे एंड 1 2 3 4 एक बार में 4 ही उठते हैं, 5 6 7 8 9 ओ वाह इतने सारे उठ सकते हैं एक बार में, वाह ये सही है। मुझे ना काम करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा डेंजरस सा अंधेरा हो गया है और मैंने ना यहाँ पर काफ़ी सारे वुडन लॉक्स को काट के वुडन प्लैंक्स में कन्वर्ट भी कर दिया है और जो अपना चिकन कूप है उसका आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया है। एक बारी ना चलकर सो लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे सारे प्लैंक्स हम लोग अपने चिकन कूप में लगाएंगे, देन हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। तो अभी जल्दी से एक बारी सो जाते हैं। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे, टॉर्च मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कुछ लकड़ियाँ गिरी पड़ी हैं इनको मैं लेके चलता हूँ और मशीन में लगा के इसे भी हम लोग कट कर देते हैं। भाई लास्ट नाइट मैंने इतने सारे प्लैंक्स बनाए, इतने सारे प्लैंक्स बना लिए भाई देखो। ओके तो यहाँ पर इसका फ्यूल ही खत्म हो गया भाई मशीन का चल चल के, और आप लोग एक बार यहाँ पर प्लैंक्स देखो कितने सारे हो गए हैं, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जितने भी प्लैंक हैं ना ये मुझे सारे के सारे उठाने हैं और इसको लगा के आना है अपने चिकन कूप में। यहाँ पे 54 थे अराउंड शायद से, हाँ 54 62 हो गए। और बाकी ना गाइस अभी एक चीज़ मेरे को आप लोग को ना और बतानी है भाई, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो अपने पास ना देखो इस टाइम पर ना पैसा बहुत कम है, ठीक, अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से ना ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाएंगे, बट अगर हम लोगों ने एक और ये वुड कटर वाली मशीन खरीद ली ना तो हम लोग जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट सकते हैं, बट वुड कटर वाली मशीन महंगी है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग जो सामने वाला अपना बार्न हाउस है ना जो बड़ा सा दिख रहा है उसको तोड़ दें, वैसे भी वो किसी काम का है नहीं, हमें उसे तोड़ के दोबारा बनाना ही है और जितना मुझे पता है अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे ना तो हमें काफ़ी सारा पैसा उसमें से मिल सकता है, तो एक बारी तोड़ते हैं उसे चल के। गाइस मेरे पास ना एक काफ़ी मस्त गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो अपने पिग है ना वो धीरे धीरे ना थोड़े से और ग्रो हो चुके हैं, बस यार ये ना और जल्दी से बड़े हो जाए। मेरे हिसाब से ना अभी ये अपने डबल साइज़ के जाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा उससे। फिलहाल हाँ लकड़ियों का काम जो है सारा डन हो चुका है, मुझे 6 प्लैंक्स और लगाने थे जो कि मैंने यहाँ से ले लिए हैं और फाइनली वुडन प्लैंक का जो वर्क था वो कम्प्लीट हो गया। अब बस मुझे इसके अंदर 52 मेटल लगाने हैं। वैसे मैं हंटिंग करके पैसा कमा सकता हूँ, मतलब कि
बढ़िया रहेगा वो, पर उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है। पहले तो एक काम करता हूँ, ये फ्यूल टैंकर अपने साथ लेके चलता हूँ, इसमें वैसे भी थोड़ा बहुत फ्यूल है और इसके अंदर भी तो कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, अभी सबसे पहले ना गाइज हम लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं इस बर्न हाउस को तोड़ के, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो वहाँ से मुझे खरीदना है एक कूलर, क्योंकि कूलर के अंदर ना हम लोग जितना भी मीट होता है ना उसको एक ही बार में रख पाएंगे। बट अगर अपने पास कूलर नहीं होगा ना तो हमें एक एक टुकड़ा उठा के अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा, जो कि टोटली टाइम वेस्ट है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं करना। बाकी देखते हैं इस घर को तोड़ने पे मुझे कितना पैसा अभी मिलने वाला है। मेरे पास $27 हैं, ओनली $27, तो भी मालूम पड़ जाएगा आखिर हम लोग $300 कमाते हैं इस घर को तोड़ के या फिर कुछ भी नहीं कमाते। जहाँ तक मुझे याद है कुछ तो मिला था लास्ट टाइम भी और इस बार भी मिलना चाहिए। लास्ट टाइम जो हमने घर तोड़ा था ना वो बहुत सारा पैसा मिला था उस घर को तोड़ने का, इसीलिए हम लोग इतनी सारी, अपने पास जितनी मशीन्स होगी ना सीधी सी बात है उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने तोड़ दिया, बारी अब पूरे के पूरे बर्न हाउस को तोड़ने की, कि टूट चुका है और हमें कुछ भी नहीं मिला। यार स्कैम हो गया, मुझे हंटिंग करनी पड़ेगी भाई दबा के। ये रुका हुआ शायद से, ये भी टूट ही चुका है एक टाइप से, मैं ट्राई करता हूँ इसे तोड़ने का। ये रह गया था, प्लीज़ कुछ मिल जा, 10, 5, 1 रुपया भाई कुछ भी नहीं दे रहे ये लोग। अपने साथ ना कुछ प्लैंक्स लेके चलता हूँ हार्डवेयर स्टोर पे, क्योंकि शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो बिक जाएंगे। तो मैंने 5 वुडन लॉग इकट्ठे कर लिए हैं, इसको प्लैंक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ अपनी मशीन के पास, इसको उठाया, मशीन ऑन करी एंड यहाँ पे लगा दिया। ऐसे बस करते हैं टेस्टिंग के लिए, थोड़े बहुत सही है, अगर बिक जाएंगे तो और आके ले जाएंगे हम लोग, बट हाँ अभी फिलहाल के लिए हम लोग थोड़े बहुत ही लेके चलने वाले हैं। तो ये भी अपना कट गया है, 3-1 लेट्स गो। तो इसको उठा लेते हैं, मशीन करी बंद, ये सारे मैं रख देता हूँ एक कोने में आराम से। यार आज बारिश क्यों हो रही है, मुझे बहुत सारा काम करना है, ठीक है। बाकी यहाँ अपनी मैं मुर्गियों को ना पानी भी डाल देता हूँ आराम से, 7 हो चुका है ये भी, इसमें भी थोड़ा सा कम था इसमें भी डाल दिया। बाकी ये भी बकेट में वाटर बचा है, एक बार अपनी पिक को देख लेता हूँ, इनके पास भी देखो पानी यहाँ पे कम है, मैं यहीं से खड़े खड़े डाल सकता हूँ। लेट्स गो, ये भी भर चुका है और बकेट में भी थोड़ा सा बचा है, तो हम लोग, अपने पास वेल है, अनलिमिटेड वाटर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ खाना इनके पास थोड़ा सा कम है। यार देखो अगर मैं इन्हें पाल रहा हूँ और मुझे इनसे अगर बिजनेस करना है तो इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। एक बैग ऑफ वीट मैंने उसमें डाल दिया, दूसरा बैग ऑफ वीट मैं इसमें डाल देता हूँ, इसमें भी थोड़ा कमी है, डाल देते हैं अपना भर जाएगा। और अपने पास एक बास्केट थी, ये बास्केट मैं यहाँ से उठाता हूँ, और ये रहा अपना चिकन का एग, ये मेरे को यहाँ से ले लेना है, ये भी ले लेना है, बस इनके पास इतने एग हैं। चलो कोई नहीं, इसको ले जाके हम लोग बेच देंगे मार्केट में, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर अपना जाना हुआ, ओ वेट ये मैंने क्यों उठा ली, हाँ ये फ्यूल टैंक भी लेके चलता हूँ, अगर हम लोग फ्यूल स्टेशन के पास से निकलेंगे तो मैं इसे भरवा लूँगा। बाकी मैं इसे अभी अपनी गाड़ी में ही भर देता हूँ, अपनी गाड़ी में भी बहुत कम फ्यूल है। लेट्स गो, ये हो चुका है, इसको भी हम लोग रखवा देते हैं इधर साइड में। एंड अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सबसे पहले जनरल स्टोर पे, वहाँ से खरीदते हैं कूलर, पर अपने पास तो कूलर के पैसे हैं ही नहीं, हार्डवेयर स्टोर पे पहले चलते हैं। एंड तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं जनरल स्टोर पे, काफी बढ़िया वाली ड्रिफ्ट मार के मैं अंदर आ चुका हूं, और अभी मुझे यहां से खरीदना है एक कूलर, उसका प्राइस है $96। ऐसा क्या है भाई इसमें, मेरे पास सिर्फ $27 है। मैं आता हूँ 2 मिनट में आता हूँ बस। भाई यार मुझे पहले ना हंटिंग ही करनी पड़ेगी, एक आध एनिमल को मार के उसका मीट इन्हें बेचूंगा ना तो बढ़िया रहेगा। बाकी मेरे पास कुछ एग हैं मेरी चिकन के, ये तो खरीद लोगे ना आप, रुक जाओ मैं से बाहर रख के इसके अंदर से पैसे लेकर आ जाता हूँ। यार ये सही लूट मचा रखे हैं इन लोगों ने, कितने सिर्फ $42 मुझे मिले हैं यहाँ पर, शायद नहीं सॉरी $42 मिल चुके हैं और अभी अपने पास $69 हो गए। यार बहुत गलत बात है, अभी मुझे जाना है हार्डवेयर स्टोर पे, अगर अपनी जो वुडन प्लैंक्स हैं वहाँ पे बिकते हैं तो समझ लो हम अमीर बन गए, अदरवाइज़ हमें हंटिंग करनी पड़ेगी, डियर हंटिंग, बियर हंटिंग, उनका मीट ला के बेचना है, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होगा, उसके बाद हम लोग एक कूलर खरीदेंगे, देन अपने पिग को मार के हम लोग यहाँ पे ला के बेचेंगे। यहाँ क्या हेलीपैड बनाने के चांसेस हैं क्या भाई, पता नहीं कुछ ऐसी अलग सी ज़मीन दिखी। मैं यार आज से पहले इस रोड पे तो कभी भी नहीं आया, मतलब मैं हार्डवेयर स्टोर जब भी आता था तो पहाड़ों से अपनी गाड़ी कुदाता हुआ आ जाता था, बट ये जगह ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग सी लग रही है। तो वो रहा सामने हार्डवेयर स्टोर, जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी अंदर लेके चलते हैं, और अगर यहाँ भी ये नहीं बिकाना तो अपनी बैंड बजने वाली है, लेट्स गो। अरे भाई भाई क्या बात होगी यार, मुझे अपनी गाड़ी सीधी करनी पड़ेगी, रुक जाओ इसे फ्लिप मारते हैं देन इसके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो भी जल्दी से भाई गाड़ी स्टार्ट करके मुझे अपनी गाड़ी को, यार इसकी एंट्रेंस देख रहे हो कहाँ ले जाके बनाई है, फ्रंट में दे देते हैं एंट्रेंस, इतनी गाड़ी घुमा के लानी पड़ती है, आधे से ज़्यादा फ्यूल तो तुम ही लोग ख़त्म करवा देते हो। तो मुझे यहाँ पर पता करना है, हेलो क्या आप प्लैंक खरीदते हो, मुझे जाना है सेल में। ओ भाई साहब ये लोग प्लैंक खरीदते हैं अपने पास 80, मैं चला घर, आज इनकी पूरी दुकान खरीद दूंगा भाई, इतने ज़्यादा प्लैंक है ना मेरे पास, तो
इतने ज़्यादा प्लैंक्स लेकर आऊँगा, इनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। वैसे छोड़ो यार, अभी ना अपने पास इतना टाइम नहीं है, मतलब यार अभी घर जाऊँगा फिर वहाँ पे प्लैंक इकट्ठे करूँगा, वो काफ़ी बेकार हो जाएगा। अगल बगल अगर मुझे कोई डियर दिखता है ना तो उसको मार के हम लोग उसका मीट ले जाके जनरल स्टोर पर बेच के कूलर खरीदते हैं, देन अपने पिक को मार के बेच के ढेर सारा सामान ले जाते हैं। मुझे भी मेनली मेटल ख़रीदना है और मेटल का प्राइस शायद $500 है, 50 मेटल, पर उस चिकन कूप में लगने हैं 52 मेटल भाई, मतलब यानी $600 अपने फुकने वाले हैं। बारिश के मौसम में कोई डियर भी मुझे आसपास नज़र, ओ वेट, मैं बोल ही रहा था डियर नज़र नहीं आ रहा, तभी मुझे दो दो डियर यहाँ पे दिख चुके हैं। हेलो डियर, रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी, मुझे जाना है शूट करने से, ये जैसे ही रुकेगा ना वैसे ही मुझे, अबे रीलोड ही नहीं थी यार, ये बहुत गलत बात है, मुझे चुपचाप से ना कराओ, ये चल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे एक ही बार में से डाउन करना है। की छोटा भीम है क्या भाई? ओ भाई दो बुलेट खा गए मेरी, छोटा भीम बन रहा है, रुक जाओ, ठीक है मैंने इसे मार दिया है, सॉरी डियर मैं, बट अभी, अबे ओए क्या नकली था ये, सिर्फ 3 मीट पीस यार, ये सही लूट मचा रखे। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग ना उस रेस्टोरेंट में ले जाके बेचेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ काफ़ी सही है कि हम लोग अपने वुडन प्लैंक्स को हार्डवेयर स्टोर पर बेच सकते हैं, अपने अमीर बनने के दिन ज़्यादा दूर नहीं रह गए गाइस, थोड़ा बहुत और करना है हमें ग्राइंड। फिलहाल सामने मुझे एक डियर और नज़र आ रहा है, अगर मुझे एक बियर मिल जाएगा ना तो उसके अंदर शायद ज़्यादा फैट होता है, और ज़्यादा फैट होता है इसका मतलब हमें ज़्यादा मीट उससे मिलने वाला है। रुक जाओ, हेलो ब्रो, अरे ब्रो हेलो, इसकी भैंस की, रुक जा, ऐसे की तैसे तेरी पड़ी, उसके एक और मार भाई, इसे कहते हैं शॉट। एक बंदा और है सामने, बंदा नहीं है वो डियर है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पड़ा, दूसरा, अबे रीलोड कर लिया अगर यार, ऑटो रीलोड क्यों नहीं है इसमें, इसे बताना पड़ता है रीलोड करने के लिए, मुझे मेरा शॉट उसे ना बजाना होगा। ओह नाइस, बहुत गंदा शॉट बजाया मैंने उसे, तो अभी मुझे यार बेचारों को मारना क्यों पड़ रहा है मुझे, इसको भी रखिए भैया। अगर अभी अपने पास कूलर होता ना तो यही इतना सारा मीट एक छोटी सी डब्बे में ही स्टोर हो जाता। तो ये रहा अपना दूसरा डियर, इसके भी हम लोग मीट पीस निकाल लेते हैं, देन उसे मुझे रखना है आराम से पीछे। पूरी गाड़ी भर गई यार इसी से, अब मैं क्या करूँ, ये वाला एक और स्टोर कर लो प्लीज़ यार, कहीं तो आ जाएगा फिट यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कहीं तो सेट बैठ जा भाई यार, हल्की सी स्पेस भी नहीं है क्या यहाँ पे। ओह वेट, हो गया, लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं इसे बेचने के लिए मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट पे। ओके, तो हम लोग पहुँच चुके हैं बेस्ट बर्गर रेस्टोरेंट पे, अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पे खड़ी कर देते हैं, एंड अभी मुझे अंदर जाके पता करना है, इस टाइम पर ये लोग बीफ खरीद रहे हैं इनटू टू प्राइस पे, तो खरीदो ना फिर, हेलो खरीदो, रुक जाओ शायद से, ओ वेट ये देखो इन्हें डिटेक्ट हो गया, मेरे को $135 दे रहे हैं लोग, थैंक यू भाई, सारा मीट बिक गया एंड $135 हो चुके हैं। अभी मैं एक कूलर खरीद सकता हूँ, मतलब पता है इतना ज़्यादा पैसा मैं इसलिए मिला है क्योंकि भाई यहाँ पर सेल चलती है सेलर्स के लिए, इनटू टू प्राइस में हमें बेचा है इन्होंने। बाकी ये है अपनी डीलरशिप, मैं आऊँगा एक दिन ज़रूर रेंज रोवर खरीदने के लिए, पर अभी अपने पास जेब में फ्यूल भरवाने के भी पैसे नहीं है। ओके गाइस, तो मैं वापस से आ चुका हूँ जनरल स्टोर, अभी ना एक काम करते हैं कि यहाँ से ना मैं एक और कूलर खरीद लेता हूँ, एक और नहीं, मैं पहला ही कूलर अभी यहाँ से खरीदने वाला हूँ, मतलब दो कूलर खरीद लेता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये था। तो दो कूलर हो चुके हैं, यानी कि अब हम लोग काफ़ी सारा मीट इन दो डब्बों में ही इकट्ठा कर लेंगे, तो इसके बाद मैं जाने वाला हूँ सीधा अभी हंटिंग पे, लेट्स गो। तो इसे भी मैं रख देता हूँ, अब हम लोग चलते हैं सीधा हंटिंग पे। यार मेरी ना एक बास्केट नीचे गिरी हुई है, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। हाय, अब तो पैसा ही पैसा होगा, शाम के 6 बजने वाले हैं, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, पर छोड़ो यार अभी तो मौसम ठीक है ना। हाँ, तो ये जो रिवर वाली साइड है ना, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डियर मिले थे लास्ट टाइम। ओह वेट, मैं अभी यहाँ से आगे जा रहा था, पर ये देखो मुझे क्या दिखा, बार्बर एंड क्लोथ, तो यहाँ पे कपड़ों की भी दुकान खुलने वाली है किसी की। चलो सही, आ जा बेटा कंपटीशन में आ जा। तो वैसे हमसे क्या कंपटीशन, हम एक रहे फार्मर, वो रहा बार्बर, हमसे थोड़ी कोई कंपटीशन कर रहा है, बट ठीक है, इससे हम लोग बाल कटवाने आ जाएंगे यार। मैं यार अपनी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ इन पहाड़ों पर जा रहा हूँ, आगे यार कहीं शेर वेर ना हो भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे नहीं, अभी तक इस गेम का सबसे डेंजरस एनिमल शायद से भालू ही है, जो कि डरपोक है, बुलेट जैसे ही मैं फायर करता हूँ वो डर के भाग जाता है। और ये क्या है भाई, यहाँ पर तो किसी का घर है। हैव यू लॉस्ट द चिकन, हाँ मेरी 20-30 हज़ार चिकन खोई थी, वो तेरी यहाँ स्नाइपर पड़ी है, पर मैंने यार ये किसी हंटर का ही घर है, ये देखो ये गेट भी अंदर हो के, अंकल हेलो यार, यहाँ पे कोई तो रहता है, ये देखो यहाँ पर एक स्नाइपर पड़ी है, एक बनैकुलर पड़ा हुआ है,
और ये क्या है, टेक रिकॉर्ड, मैंने कुछ सीडी उठा ली शायद वहाँ से, और ये यहाँ पर, यार इनके पास काश एक आध डब्बा पड़ा हो जिसमें बहुत सारा पैसा हो, पर ऐसा होगा नहीं यार अपने। ओ वेट, यहाँ पे कुछ है, प्रेस ई टू चॉप। अबे पेड़ काटने आया हूँ क्या मैं यहाँ पे? अंदर वाले कमरे को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बट उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो खाली पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा था अंकल जी अंदर सो रहे होंगे, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार, ना मेरे को इधर डियर। बट हाँ ये घर काफ़ी ज़्यादा हाई हिल पे बना हुआ है, कुछ इसी टाइप का घर हम भी बनाएंगे। नहीं यार ये तो पुराना है, हम लोग अब एक लग्जरी मेंशन बनाएंगे यहाँ पे। शाम के 7 बज चुके हैं, अंधेरा होना तो अब स्टार्ट होगा। एक काम करता हूँ जल्दी से घर पहुँच जाता हूँ। नहीं यार घर पहुँचने से बढ़िया हम लोग एक ना स्लीपिंग बैग खरीद लेते हैं जनरल स्टोर से, यहीं पर सो जाएंगे, जल्दी दिन हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हम लोग अपने रेंच पे वापस आ चुके हैं, गाड़ी की लाइट बंद करके गाड़ी से उतरते हैं, अपनी लाइट जला करना चल के सो जाते हैं। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। रात में काफी जोरों की शायद से बारिश हुई है, इसीलिए आज सुबह एकदम मौसम साफ हो गया है। तो हाँ अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, अपने पास वो जो पिग है ना, शायद से थोड़े बहुत बड़े हो चुके होंगे, तो उनको हम लोग मार के थोड़ा बहुत मीट इकट्ठा करते हैं। क्योंकि यार देखो अभी ना मुझे मेटल लेकर आना है अपने इस चिकन कूप के लिए, तो सीधी सी बात है यार पैसा चाहिए होगा। अगर हंटिंग पे जाऊंगा तो भी मेरे को मिल जाएगा, पर मुझे यार डियर ना बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं मेरे हिसाब से, अभी ये थोड़े बहुत और बड़े होने वाले हैं, और वो दोनों बराबर ही हैं वैसे एकदम वेट वेट में देखा जाए तो। यार मेरे पास, सॉरी यार मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। अबे रीलोड ही नहीं है इसकी, ऐसी की तैसी रीलोड तो हो जा, रुक जा मार रहा हूँ, दो मिनट रुक जा। यार बेचारा इसको मुझे मारना पड़ेगा। ओए तेरी निकल यहाँ से। तो ये अभी गया बेचारा, दूसरा वाला डर चुका है। मुझे यहाँ से एक कूलर उठाना है और इसे स्किन करके ओ देख रहे हो कितना सारा मीठा, ये $300 में देखना अभी मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट करवा देगा ये अकेला पिग। तो ये मैंने ले लिया, इसको हम लोग रखते हैं राइट साइड में। एंड दूसरा, हट जा यार तेरे को नहीं मारना चाह रहा मैं, अभी एक में ही अपना काम हो जाएगा। मेरे को लगता है कि यहाँ $600 मेरे को इसके मिल जाएंगे, क्योंकि 50 मेटल मेरे को मिलेगा $500 का, एंड बाकी 10 मेटल मेरे को मिलने वाला है $100 का। वैसे 52 ही चाहिए, पर वो खुला नहीं बेचते ना तोड़ तोड़ के, तो इसलिए मेरे को उतने का ही लेना पड़ेगा। बाकी अभी सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं सीधा हार्डवेयर। ये चिकन देखना कहाँ घूम रही है, चुपचाप चले जा अंदर, कान पे मारूं। हाँ तो भी मुझे जाना है सीधा हार्डवेयर स्टोर पे इसे बेचने के लिए, नहीं इसे बेचने के लिए मुझे जनरल स्टोर पे जाना है, देन हार्डवेयर स्टोर पे जाके मुझे मेटल खरीदना है। गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेस्ट बर्गर रेस्टोरेंट। वैसे पहले ना मैं ये सारा का सारा पोर्क बेचने के लिए जनरल स्टोर पे जा रहा था, बट तभी मुझे याद आया कि यार देखो नॉन वेज आइटम है और ये लोग मेरे को उसका अच्छा खासा प्राइस देते हैं, तो इन्हीं को बेचनी चाहिए ना यार, क्यों खाली पीली अपना ही नुकसान करवाना। ठीक है गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, अंदर चलते हैं। और ये लोग पोर्क का आज थोड़ा सा रेट डाउन हो गया है, 1.8 मल्टीप्लायर पे मुझे दे रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा एक टाइप से 2 गुना ही हो गया, बस थोड़ा सा कम है। तो मुझे इसके मिलने वाले हैं टोटल $432 पहले डब्बे के, दूसरे भाई $1000 हो गए अपने पास, अमेजिंग भाई हम लोग बहुत। देखो मैंने क्या बोला था, $27 के मैं $27,000 बनाऊंगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी सामने से अब देखो यार ये खुद ही मरने के लिए मेरे पास आया, तो क्यों ना इसको फोड़ा जाए। एक शॉट दिया, दूसरा शॉट दिया, और ये डाउन, लेट्स गो। यहाँ पर काफ़ी सारे डियर घूम रहे हैं ना, आज इनकी मौत है मुझे, क्योंकि भाई पैसा चाहिए तो चाहिए। एक गया और ये दूसरा पड़ जा, पड़ा वो नहीं गया डाउन। ऐसे कैसे भाग के जाएगा, मेरे पास अभी ना थोड़ी बहुत बुलेट्स हैं, इतने में बहुत हंटिंग करेंगे हम लोग। तो अभी तो जितनों को मारा है इनका भी हम लोग मीट उठा लेते हैं। मैं आ गया पहले वाले डियर पे, इसे करा स्किन, एंड ये उठाया अपना कूलर, 1 2 3। इससे देख रहे हो कितना ज़्यादा आसान रहता है, हमें बार बार इधर उधर एक एक उठा के नहीं रखना होता। और सामने दूसरा डियर, ये रोकी अपनी गाड़ी, ये उठाया डब्बा, एंड इसको करा स्किन, एंड 1 2 3। ओ सॉरी ये उठाया 1 2 एंड 3। Let's go. अभी ना हार्डवेयर स्टोर पे चल के मैं मेटल खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना चिकन कूप भी कंप्लीट करना है, और उसके लिए ढेर सारे चिकन भी मुझे खरीद के ले जाने हैं। तो ये मैं पहुँच गया हूँ हार्डवेयर स्टोर पे अपनी गाड़ी पीछे वाले रास्ते से। यार देख रहे खुशी कितनी ज़्यादा आ जाती है जेब में पैसा आते ही, तो यहाँ पर अपनी हम लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। भाई अभी हम लोग एटलीस्ट कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम तो खरीद पाएंगे ना, तो मुझे इसको पहले, मेरे पास पैसा तो है ना, मैंने क्या क्या खरीदा अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा ना, तो मुझे पहले यहाँ से खरीदना है 500 मेटल, एंड ये $100 मतलब $500 का मेटल, $100 का 600 के जो मेटल है वो मुझे यहाँ पर 600 मिलने वाले हैं, लेट्स गो। तो सॉरी 600 नहीं 60, मैं क्या कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, $600 के में 60 मेटल मिलने वाले हैं, जो कि ये आ चुके हैं।
बट मुझे इनमें इन्हें गाड़ी में रखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी यार, मुझे अपनी बास्केट को पीछे ऐसे संभाल के रखना है, एंड ये गैस कैन को भी ऐसे रख देते हैं अब हो जाएगा। तो ये है अपना 50 वाला लोहा, इसको रखा मैंने यहाँ पे, लोहा नहीं है बस ये मेटल है, लोहा आयरन थोड़ी लिखा है, तो इसको भी हम लोग ऊपर रख देते हैं। लेट्स गो, सब हो चुका है, अभी थोड़ी बहुत हंटिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लेंगे ताकि चिकन कूप कंप्लीट होए। पर जाते जाते मैं थोड़ी बहुत चिकन भी खरीद लूंगा ना बीच रास्ते में, यहाँ पे शायद से मैं गेम भी सेव करवा सकता हूँ इन बस स्टैंड पे, बस तो चलते ही नहीं है, गेम सेव करने के काम आता है। बाकी ये वाला जो रास्ता है ना, शायद से ये रास्ता ना भाई कोई डेंजरस जगह पे ही जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे गए थे ना तो बहुत सारे डियर दिख रहे थे। यार अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मेरे गैस कैन में भी बिल्कुल फ्यूल ही नहीं है। अब मुझे हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा क्या कुछ फ्यूल? इसको तो वापस रखवा देता हूँ, इसे क्यों ले जा रहा हूँ साथ साथ, होना तो चाहिए शायद से इनके पास। नाइस, तो ये है इनके पास जेरी कैन, तो ये मैंने कर लिया परचेस। भाई शुक्र है यार, वरना तो अभी कितने चक्कर काटने पड़ते भाई मुझे पैदल। बट वेट, अबे खाली कैन बेच, पागल है क्या ये लोग? हेलो, अबे दिमाग विमाग खराब हो गया क्या? खाली कैन बेच रहे हैं भाई, मेरे $25 और फुकवा दिए यार, ये बहुत गलत बात है, मुझे अभी पैदल जाना होगा इतनी दूर। नहीं यार ये देख रहे हो, चलो कोई नहीं, दो दो फ्यूल टैंक भर के रखूँ। भाई गैस स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है, कोई बस वस नहीं चलती क्या अपना? यार मेरी गाड़ी भी वहीं पर रह जाएगी, उल्टी घुमा के ले आता हूँ गाड़ी, थोड़ी बहुत तो डाउन में आ जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ लेगी वो। यार स्कैम हुआ तो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा स्कैम हो गया, मतलब पूरा ही एकदम, ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो रही है पर बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है। आगे आगे आगे, पीछे आगे पीछे आगे, अरे आजा। यार देख रहे हो, हल्की सी अमीरी क्या आई, ये क्या हो गया भाई, गाड़ी में तेल ही नहीं है। पीछे वाली साइड पे थोड़ी सी तो ढलान है, शायद वहाँ पे जाते जाते अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। एक की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, प्लीज़ यार थोड़ी तेज पहुँचेंगे हम लोग वहाँ पे तो बढ़िया रहेगा। नाइस, स्पीड 4 पहुँच चुकी है और ये स्पीड अब 5 पहुँच चुकी है, मैं बोल रहा था 6 पहुँच गई। ओके, तुम्हारा भाई कुछ भी कर देगा देखना, अभी बिना फ्यूल के तुम्हारा भाई गाड़ी चला रहा है, वो भी 13 की स्पीड पे। नहीं यार, तो यार कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी मैंने, यार अच्छी खासी गाड़ी आगे तक आ गई थी, पर ना अभी थोड़ा ढलान वाला पार्ट खत्म हो गया है, मुझे पैदल ही जाना होगा गैस कैन लेके। ऐसे यार गैस स्टेशन इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था, बस देखने में लग रहा था कि यार हाँ कितनी दूर जाना पड़ेगा, और गाड़ी से आओ तो सही में लगता भी है दूर है। बाकी मौसम ऐसा हो रहा है ना जैसे पता नहीं रात के कितने बज चुके हों, बट अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अब डालो ना, 10 रुपये का डाल दो भाई साहब, तो चलो पूरा भर दो यार, वैसे भी कमी है अपने पास। फाइनली फ्यूल टैंक भर चुका है, इसको उठा लेते हैं, भाड़ में जाए, मुझे नहीं रखना उसे संभाल के। तो ये मैं पहुंच के अपनी गाड़ी पे वापस, और ना मैंने इधर एक मार्क लगा दिया था ताकि मैं भूल ना जाऊं कि आखिर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कहां पर करी थी। इसके अंदर फ्यूल डालते हैं, और गाड़ी में को बैठ गया मैं, हाँ तो इसके अंदर हम लोग फ्यूल डालते हैं, और अभी ना हंटिंग सेंटिंग भाड़ में जाए भाई, मुझे घर पहुंचना है और अपना चिकन कूप कंप्लीट करना है। खाली पीली हम लोग जंगल में घूमे जा रहे हैं इतनी देर से, तो भर चुका है। ओके, भर गया, इसको संभाल के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। गाड़ी में बैठ के अभी सीधा चलते हैं घर, बाकी काम कूप कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे। और फाइनली हम लोग अपने रेंच पे वापस पहुंच चुके हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी हम लोग यहाँ साइड में खड़ी कर लेते हैं, और यहाँ से मुझे उठाना है ये मेटल, 10 वाले को नीचे रखते हैं, 50 वाला उठाता है सीधा, और इसको भी मुझे लगाना है यहाँ पे, एंड इसमें से 2 मेरे को लगाना है। ओके, तो फाइनली अपना चिकन कूप कंप्लीट हो चुका है, और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई चिकन का कूप है, ये एक प्यारा सा हट लग रहा है। तभी इसके अंदर इतना सारा मेटल लगा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ना ये जो पिंजरा बना है ये प्रॉपर मेटल का है भाई, इसके अंदर तो अपने चिकन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रहेंगे। बट मैं अभी उनको शिफ्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर इनके लिए एक डोर भी है जिसे मैं ओपन कर सकता हूँ, वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, पर वो अंदर कहाँ से जाएंगी? अच्छा यहाँ पर ये छोटी छोटी सीढ़ी इसीलिए बनाई है ताकि वो अंदर चले जाए। बट हाँ मैं यही कह रहा था कि उनको भी मैं शिफ्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पहले यहाँ पर उनके लिए अंदर खाने का सिस्टम, उनके पीने का सिस्टम सब कुछ एकदम सेटअप करना होगा, उसके बाद उन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। वरना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, गाड़ी की लाइट बंद कर देता हूँ भाई, खाली पीली वैसे फ्यूल नहीं अपने पास, तो मज़ा आने वाला है अभी, क्योंकि आज से अपना जो बिजनेस है वो तगड़े लेवल पर चलेगा। मुझे ढेर सारे अभी ना चिकन्स खरीद के लाने हैं, और ये वाला पिग देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये भी अमीर कर देगा भाई, हज़ार नहीं समझ लो $1500 अपने पास अभी भी पड़े हुए हैं जो मैं सामने नज़र आ रहे हैं प्रॉपर। इन $1500 से मैं 3 पिग खरीद के लाऊंगा जो कि $900 में आ जाएंगे, और काफ़ी सारे चिकन्स भी मैं वहाँ से खरीद के लाऊंगा जो कि मैं इसमें भर दूंगा,
और हम लोग फिर अमीर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स गो। चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कॉमेंट में ना थोड़ी बेस्ट ट्रिक्स जरूर बताना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए उसमें जल्दी रिच बनने के लिए। ओके गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। Yeah.